मसूर पुलाव बनाने के लिए हमने मसूर को एक घंटा पहले वॉश करके भिगो दिया था। ये हमने चावल लिए हैं, इसे हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। साथ में जाएगा स्लाइस्ड अनियन, तेज़पत्ता, ज़ीरा, दो लौंग, साबुत इलायची, नमक, बिरयानी मसाला, स्लाइस्ड चिली। इसके अलावा जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर में डालेंगे हम ऑयल और इसे हम गरम कर लेंगे। इसे हमें सॉटे कर लेना है। हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, अब हम ये सारी प्याज निकाल लेंगे। अब इसमें जाएंगे ये गरम मसाले, साथ में जाएंगी हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इसमें जाएगी हमारी दाल। अब हम इसे ऐसे ही दाल को पकाएंगे, दो मिनट इसे ऐसे ही कुक कर लेना है जब तक जो है दाल बिल्कुल ऑयल ना छोड़ने लगे। अब इसमें जाएगा नमक और हमारा बिरयानी मसाला। इसमें डालेंगे हम पानी, इसकी लिड लगाकर अब हम इसमें तीन विसिल लगाएंगे। आफ्टर थ्री विसिल्स आई विल ओपन द लिड। ये हमारी दाल जो है वो कुक हो गई है। अब हम इसमें से जो हमने ब्राउन अनियन किए थे उसमें से थोड़े अनियन आधे लगभग इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ इसमें जाएंगे हमारे चावल, साथ में जाएगा इतना पानी जिसमें कि हमारे चावल वो कुक हो जाएं। अब हम लगाएंगे इसके लेड और इसमें एक विसिल आने देंगे, उसके बाद हम अपनी जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे और दो मिनट पका कर फिर गैस ऑफ कर देंगे और फिर हम इसकी विसिल निकलने के बाद इसे खोल कर चेक करेंगे। हमारी विसिल पूरी निकल गई है, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव कितनी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से हमने ब्राउन अनियन इस पर गार्निश कर दी है और अब है सर्विंग टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।